हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल है खैर मकदम है न्यूज ट्रैक के न्यू बुलेटिन में। इस बुलेटिन में वो तमाम खबरें मौजूद हैं जिसका आपको बेचैनी से इंतजार रहता है। इनके आज कवर स्टोरी में हम कवर कर रहे हैं, आज का मौजू है सोशल मीडिया का असर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान और फ़ायदे का हम जिक्र करेंगे इस बुलेटिन में। आजकल हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और सोशल मीडिया के ऐसे फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस हमें हर रोज़ मिलते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं होती। अगर आप जांच पड़ताल किए हुए कोई ऐसा पोस्ट उसे फॉरवर्ड यानी शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान है, क्योंकि साइबर क्राइम की निगाहें हमेशा आपके पोस्ट पे नज़र रखा हुआ है। आपको चाहिए कि हर पोस्ट की तहकीक करें, जांच करें कहां तक इसमें सच्चाई है, फिर आप उस पोस्ट को शेयर करें। सोशल मीडिया के हर पोस्ट को आप ध्यान से पढ़ें, देखें, फिर उसे शेयर करें, ना कि जैसे ही पोस्ट आपके पास पहुंच गया और अब 10 ग्रुप में शेयर करें, यह बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग 50 से ज़्यादा पोस्ट एक साथ करते हैं जो बहुत ही गलत है। किसी के पास इस वक्त इतना वक्त और समय नहीं है कि तमाम 50 पोस्ट को खोलें और पढ़ें। हमें चाहिए कि सोशल मीडिया पे हम वही पोस्ट करें जो बेइंतहा ज़रूरी है। गैर ज़रूरी पोस्ट करना एक अहमकाना बात है। आप हर पोस्ट को शेयर ना करें, आप हर पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें जब तक आप उसे अच्छी तरह से पढ़ ना लें। साइबर क्राइम की निगाहें आप पे हमेशा लगी रहती हैं। पोस्ट की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी के लिए मुश्किल होती है, तो ये आपके लिए भी बेइंतहा मुश्किल होती है और सीधा क्राइम ब्रांच आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। हम चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें। आप देख रहे हैं, बात करते हैं बेलगाम के मौसम की। लोग बेलगाम के मौसम से परेशान तो ही है क्योंकि गर्मी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल शुरू ही कर चुके हैं। थोड़े ही दिन में रमज़ान का महीना भी आने को है, लेकिन बेलगाम शहर में कभी कभी बिन बादल बरसात भी होते हैं जिससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम आयाँ होता है और सड़कें ड्रेनेज के पानी से भर जाते हैं। हकीकत यह है कि सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। हमें चाहिए कि अपना गार्बेज, अपना कचरा सही जगह पे फेंक दें और अपने गली और मोहल्ले को साफ रखने की कोशिश करें, बेलगाम सिटी को एक अच्छी स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस का खौफ हर जगह फैला हुआ है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एस येदियुरप्पा ने कहा है कि इस दौर में ना कॉलेजेस बंद होंगे, ना स्कूल बंद होंगे और उनके फाइनल एग्ज़ाम ऑफलाइन लिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर एस येदियुरप्पा ने इस बात की वजाहत भी की है कि 15 दिनों में ना कोई प्रोटेस्ट, ना एहतजाज होगा, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन होगा, क्योंकि बाय इलेक्शन सर पे हैं जो 17 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। नॉमिनेशन फॉर्म का सिलसिला शुरू हो चुका है, बहुत से लोगों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स भी भर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से श्री सतीश जरकिउली ने भी कल अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया और बीजेपी की तरफ से श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी ने भी आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन बहुत ही पुरसकून माहौल में होगा। आप देख रहे हैं, का सबसे बड़े मसले पे बात करते हैं, वैक्सीनेशन यानी कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन के मुतालिक बहुत से लोगों के बहुत से ख्यालात हैं। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि वैक्सीन हमें नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि वैक्सीन लगाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप कोविड-19 का टीका लगाते हैं तो ये आपके लिए बेइंतहा बेहतर है, क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड लहर यानी दूसरी लहर जो चल रही है बेइंतहा ख़तरनाक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बाउंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप 19 का टीका यानी वैक्सीनेशन करते हैं तो 70% आप सेफ रहेंगे। कोविड-19 का वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही लगाया जा रहा है। बेलगाम में बहुत से ऐसे सेंटर्स खुले हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं,
बात फिर वही कोविड की आ गई। महाराष्ट्र में कोविड 19 से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ के हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा भी मरीज हमारे पास आते हैं जो कोविड 19 से मुतासिर हुए हैं, हम उन्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। खासकर मुंबई, पुणे और धोलिया में लॉकडाउन लगने के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन लगाने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो गरीब लोगों का हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि लॉकडाउन न लगे, लेकिन मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती की वजह से वो भी मजबूर हैं। एनसीपी के सरबराह शरद पवार इस वक्त बीमार चल रहे हैं और मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल किया गया है। एनसीपी के नुमाइंदे श्री शरद पवार के तबीयत के बारे में बात बताई है कि श्री शरद पवार को पित्ता ब्लैडर यानी पित्ते का मर्ज हो गया है और मादे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ है, जिसकी वजह से उनकी सेहत की जाँच की जा रही है। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जोरों पर है और हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में एक जलसे को खिताब करते हुए ये बयान दिया है कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी धरना दिया था और जेल जाना पड़ा था। इलेक्शन का जमाना फिर से शुरू होने वाला है और अब बात करते हैं बेलगाम के कॉरपोरेशन का इलेक्शन कब हो रहा है। कॉरपोरेशन का इलेक्शन बाय इलेक्शन के फौरन बाद होगा, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा नुमाइंदा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन के लिए अपना दावा पेश कर रहा है, उस कैंडिडेट से, उस नुमाइंदे से हम बाकायदा उसकी काबिलियत की तफ्तीश करें और हम अपना नुमाइंदा वही भेजें जो काबिल हो, जो तालीम याफ्ता हो, जिसमें हर तरह की सलाहियत मौजूद हो। हम पहली मरतबा हमारी मिल्लत के पास 12 सीट थे, लेकिन 12 सीट 6 सीटों में तब्दील हो गई। फिर से एक बार हम तमाम जमातों से, यंग कमेटी से गुजारिश करते हैं कि बेलगाम के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारा नुमाइंदा बासलायत हो और उसी नुमाइंदे को आप हरी झंडी दें जो बासलायत है। आप देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, जो आपका पसंदीदा शो है, ऑफ एयर हो गया था, फिर लेकिन मई में फिर से प्रोग्राम वापस आ रहा है। कपिल शर्मा शो अपने बयान में कहा है कि मैं बहुत जल्द अपनी नई टीम के साथ शो शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें नए राइटर्स होंगे, नए एक्टर्स होंगे और नए एटम्स होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शो फिर से एक बार अपनी कामयाबी की नई बुलंदी तय करेगा। आप देख रहे हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं दुनिया उन्हें कभी निराश नहीं करती। आप खेल की दुनिया में हो या किसी दुनिया में हो, लेकिन आपके इरादे बुलंद होना चाहिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड टेबल टेनिस प्रमोशन इंदौर ने एक ये खेल मुनक्कद किया था उन लोगों के लिए जो अपाइज हैं, जो हैंडीकैप हैं। मिस्टर संजू जी हम्पन्नवर ऑफ बसवन कुर्ची में अपना खेल का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीता कि उन्होंने अपने कुदे इरादे का इजहार करते हुए इस टूर्नामेंट को जीत कर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। करते हैं क्रिकेट की दुनिया की, जिसमें आपको बेहद दिलचस्पी है और मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जब पहली बार खेलने के लिए मैदान में उतरे थे, तभी भी मैंने कहा था कि आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और मेरा यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब भी कभी ऋषभ पंत को मौका दिया जाता है, पता नहीं ऋषभ पंत को ड्रॉप करने की असल वजह क्या होती है, ये किस कैप्टन के दिमाग में आता है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जाए, लेकिन ऋषभ पंत जब भी मैदान पर उतरते हैं अपनी शुरुआत छक्कों से करते हैं। जब पहली बार उन्होंने टेस्ट खेलने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ उतरे थे के जो स्पिनर हैं उनकी पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया था। उन्होंने अपने खेल को दिन ब दिन इस तरह से संवारा कि आज ऋषभ पंत का नाम क्रिकेट की दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है। अगर कोई सियासत न हो तो ऋषभ पंत एक दिन जरूर इंडिया के कैप्टन बन जाएंगे। आप देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the video.